बात आई थी हिस्टोसाल्पिंजियोग्राफी की फॉर ट्यूबल पेटेंसी एंड यूट्राइन एनोमलीज। तो लोग पूछेंगे व्हाट इज हिस्टोसाल्पिंजियोग्राफी, हिस्टोसाल्पिंजियोग्राफी मतलब क्या होता है। बेसिकली हिस्टोसाल्पिंजियोग्राफी में करते क्या है, हम ये चेक करते हैं कि ट्यूब्स आपकी पेटेंट है या नहीं है, और यूट्राइन कैविटी में कुछ तकलीफ है या नहीं है। हिस्टोसाल्पिंजियोग्राफी की कैसे जाती है वो समझने के लिए क्या किया जाएगा, एक ड्राइंग बनाता हो। ये रहा अपना यूट्रस, ये यूट्रस है, ये सर्विक्स, ये एंडोमेट्रियल कैविटी, और ये ट्यूब्स है अपनी। यहाँ पे जो है ये अपनी ओवरीज है। तो बेसिकली हम जब हिस्टोसाल्पिंजियोग्राफी करते हैं तो हम पेशेंट को बेहोश कर देते हैं, और शॉर्ट जीए मतलब शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया, कमर में सुई भी नहीं रखती, खाली जाता है ट्यूब भी नहीं डालनी पड़ती, खाली इंजेक्शन से पेशेंट को 5 मिनट का प्रोसीजर बेहोश किया जाता है। पेशेंट को सुबह हम लोग यहाँ पे 8 बजे बुलाते हैं, 5 बजे से पेशेंट को बोलते हैं खाना पीना बंद कर दीजिए, मॉर्निंग 8 o'clock आना है। और मेंसेस के बाद के 3 to 4 days में, आफ्टर मेंसेस यहाँ पे आ जाना है। ओके अच्छा, टेस्टिंग कैसे कैसे है। एक कैनुला आता है ऐसा, उसको हम रिबिन्स कैनुला बोलते हैं, ये एंड उसका सर्विक्स में जाता है और ये एंड पे सिरिंज लगती है। जिसमें रेडियो ओपेक डाई रहती है, वो डाई से हम सिरिंज से यहाँ पे पेशेंट को लिटोटोमी पोजीशन के अंदर सिरिंज से डाई इंजेक्ट करते हैं, जो धीरे धीरे कैविटी में जाती है और कैविटी से ट्यूब्स के, अगर ट्यूब्स ओपन है तो ट्यूब्स के बाहर आती है। यहाँ से डाई पुश करते हैं, डाई यहाँ से होती हुई कैविटी में जाती है, कैविटी से यहाँ पे स्पिल आता है अगर ट्यूब्स ओपन है तो। उसका पिक्चर मैं आपसे शेयर करूँगा, एक नॉर्मल HSG का रिपोर्ट कैसे दिखता है वो आपको मैं बताऊँगा। और यहाँ से डाई जाके यहाँ से बाहर आती है, जिसका हम एक्सरे लेते हैं। हम यहाँ पे कैरन क्योर में ये रिपोर्ट सियाम पे करते हैं, तो हमें वीडियो इमेज मिलता है, फोटो नहीं आते, वीडियो आते है। तो वो हम चेक करते हैं कि ये कैसे यहाँ से ट्यूब्स बाहर आ रही है। अगर दोनों जगह फ्री स्पिल आई ऑन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, अगर दोनों जगह फ्री स्पिल आई तो मतलब रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है। अगर एक साइड स्पिल आया, एक साइड स्पिल नहीं आया, तो मतलब ट्यूब में या तो यहाँ ब्लॉकेज है और या तो यहाँ ब्लॉकेज है, ऐसा पॉसिबल है। अच्छा, कई बार ऐसा भी पॉसिबल होता है कि यहाँ तक ही ब्लॉकेज है, मतलब इसको बोलते हैं कॉर्नियल ब्लॉकेज। कई बार ट्यूब में दवाई यहाँ तक दिखती है, ट्यूब पूरी दिखती है हमको, बट जो फिम्बियल एंड है उससे दवाई बाहर नहीं आती है, तो उसको बोलते हैं हम फिम्बियल ब्लॉकेज। क्या बोलते हैं, ये हुआ फिम्बियल एंड पे ब्लॉक, और ये हुआ कि ट्यूब दिखी नहीं, दवाई ट्यूब में गई नहीं, तो उसको कॉर्नियल ब्लॉकेज बोलते हैं। और कई बार क्या होता है कि मिड में आधी ट्यूब दिखी, आधी ट्यूब अपने को नहीं दिखी, तो उसको हम ट्यूबल ब्लॉकेज बोलते हैं। मिड ट्यूबल ब्लॉक बोले या एम्पुलरी ब्लॉक भी बोल सकते हैं। बेसिकली इम्पोर्टेंस ये है कि अगर अब ब्लॉक आया तो करना क्या है। अगर ब्लॉक आया, अगर वन साइड मतलब यूनिलैटरल ब्लॉकेज है, तो पेशेंट को खाली इतना समझाना है कि परसेंटेज ऑफ कंसेप्शन में एक ट्यूब ब्लॉक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, परसेंटेज ऑफ कंसेप्शन रिमेन्स द सेम, एक ट्यूब ब्लॉक हो या ना हो, बट टाइम टू कंसेप्शन कैन इंक्रीज। वाय, क्योंकि जो हम बीज बनने की दवाई देंगे उससे बीज किस बाजू बनेगा वो हम श्योर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कई बार क्या होता है कि जब हम ये ट्रीटमेंट करते हैं तो टाइम टू कंसेप्शन इंक्रीज हो जाता है, बट यूनिलैटरल ब्लॉकेज में परसेंटेज ऑफ कंसेप्शन रिमेन्स द
सेम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. सो नेवर एडवाइज योर पेशेंट टू अंडरगो सर्जरी जस्ट बिकॉज उसकी एक ट्यूब ब्लॉक है. कभी नहीं करना है सर्जरी अगर एक ट्यूब ब्लॉक है तो. हाँ, दोनों ट्यूब ब्लॉक है तो ऑब्वियसली, सपोज दोनों ट्यूब ब्लॉक आती है, बायलैटरल ब्लॉकेज जिसको हम बोलते हैं, तो उसके लिए अपने पास दो आइडिया है. एक, अपने या तो IVF करिए, जिसको सादी भाषा में लोग टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, और या फिर आप उसमें यू कैन ऑल्सो गो फॉर लैप्रोस्कोपी विथ हिस्ट्रोस्कोपी. उससे क्या होगा कि ट्यूब्स ओपन हो जाएगी. ठीक है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ट्यूब्स अगर आपकी ओपन है, या तो आपने लैप्रोस्कोपी करा के, लैप्रोस्कोपी से आपने ट्यूब को ओपन की भी है. अगर ट्यूब्स ओपन है, या तो आपने लैप्रोस्कोपी करवा के पहले ट्यूब ब्लॉक थी और ट्यूब्स को ओपन करवा दिया है, वो खाली ये गारंटी देती है कि आपकी ट्यूब्स पेटेंट है, मतलब ट्यूब्स खुली है. वो ये गारंटी नहीं देती है कि ट्यूब्स पोटेंट है. पोटेंट का मतलब कि ट्यूब्स फंक्शनल है, काम कर रही है कि नहीं, उसकी इससे कोई गारंटी नहीं होती है. एक ही स्लाइड में बताऊंगा कि बेसिकली जब हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ से दवाई डाल रहे हैं प्रेशर में, और ये चेक कर रहे हैं कि दवाई यहाँ से बाहर आ रही है कि नहीं, दवाई यहाँ से ट्यूब में से बाहर आ रही है कि नहीं, वो चेक कर रहे हैं एक्चुअली. बट ट्यूब का काम ये है ही नहीं. ट्यूब का काम क्या है? ट्यूब का काम एक्चुअली रिवर्स है. ट्यूब का काम है, यहाँ से जो ओवरी में एग्स बना है, वो एग्स को पिकअप करना है और इस डायरेक्शन में एग को लेके आना है, एम्ब्रियो को लेके आना है. हम चेक क्या कर रहे हैं? इस डायरेक्शन में. एक्चुअली ट्यूब का काम किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में. इसके लिए जस्ट बिकॉज ट्यूब ओपन है तो वो ट्यूब काम कर रही होगी, वो जरूरी नहीं है. कई बार TB के कारण या एंडोमेट्रियोसिस के कारण ट्यूब्स ओपन होती है, बट उसमें देयर इज सीरियरी डैमेज. इसके कारण ट्यूब्स फंक्शन नहीं करती है. सो इट इज इवन मोर कंफ्यूजिंग. पेशेंट बोलता है कि ट्यूब्स तो ओपन है, पर हमें समझाना पड़ता है कि ओपन होने का मतलब काम करना नहीं होता. ओपन मतलब दैट ओपन है. ओपन मतलब ये नहीं है कि ट्यूब आपकी पोटेंट है और फंक्शन कर रही है. अनफॉर्चुनेटली पोटेंट चेक करने के लिए, पोटेंसी या फंक्शन चेक करने के लिए देर इज नो टेस्ट सो फार. ऐसा एक भी टेस्ट नहीं है जिससे हम चेक कर सके कि पोटेंट है कि नहीं है. इसके लिए जब ट्यूब्स ओपन होती है और आप सब ट्रीटमेंट करा चुके हैं और तब भी प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, अगर देयर इज नो प्रेगनेंसी आफ्टर ऑल ट्रीटमेंट, देन IVF इज द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट. एंड अगर पेशेंट सर्जरी नहीं कराना चाहता है, पेशेंट डज नॉट वॉन्ट ऑपरेशन, तो वैसे केस में भी IVF रिमेन्स द बेस्ट चॉइस. फर्क क्या होता है शॉर्ट में बताऊंगा. IVF कराना ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए, लैप्रोस्कोपी कराना ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए, ये चीपर ऑप्शन है. और अगर इससे ट्यूब्स ओपन हो गए और प्रेगनेंसी रह गई, तो आप 2 या 3 बच्चे तक भी सेम ट्रीटमेंट करा सकते हैं. IVF इज मोर एक्सपेंसिव, और हर बच्चे के लिए हमेशा आपको पर प्रेगनेंसी IVF वापस करना पड़ेगा. अगर ट्यूब ब्लॉक है, एक बच्चा रहा, अगले बच्चे के लिए वापस कराओ. ट्यूब्स ओपन है तो आप 2 बच्चे 3 बच्चे एक ही लैप्रोस्कोपी में आपका हो जाएंगे. बट IVF हैज 70% रिजल्ट्स इन सच केसेस एंड नॉन सर्जिकल है. लैप्रोस्कोपी रिजल्ट्स 30% है, रिजल्ट्स कम है, खर्चा कम है पर रिजल्ट भी कम है. एंड आफ्टर ऑल सर्जरी इज अ सर्जरी इज अ सर्जरी. एंड
लैप्रोस्कोपी कैन ओपन द ट्यूब्स बट डज नॉट अश्योर फंक्शन, ओके, डज नॉट अश्योर फंक्शन। तो जब भी आप अपने पेशेंट्स के लिए एचएससी कराते हैं या पेशेंट्स को आप एचएससी का एडवाइस देते हैं, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड के एचएससी में ट्यूबल ओपनिंग चेक होती है, फंक्शन चेक नहीं हो सकता है। एंड इसका अगर रिपोर्ट नॉर्मल आता है तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। अगर एक ट्यूब ब्लॉक आती है तो कुछ नहीं करना है, दो ट्यूब ब्लॉक आती है जैसे मैं समझाए आईवीएफ या लैप्रोस्कोपी कर सकते हैं। लास्ट कई बार बहुत ब्यूटीफुली जो कैविटी डिफेक्ट्स होते हैं, ये आपका यूट्रस है, ये इसकी कैविटी है, कई बार अगर यहाँ पे पॉलिप है तो आपके एचएससी टेस्ट के अंदर एक फिलिंग डिफेक्ट दिखता है। एचएससी ये नहीं बोल सकता है कि कैविटी में क्या है, बट वो बोलता है कि कैविटी में फिलिंग डिफेक्ट है, जिसको या तो हम 3D सोनोग्राफी और या तो हम हिस्टोस्कोपी से कंफर्म कर सकते हैं कि ये क्या है और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके, आई थिंक इस सेशन में छोटा सेशन लूँगा और खाली एचएससी के बाद में बात करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड होपफुली आप ये सेशन एंजॉय किया है और अपने और भी मेम्बर्स को आप ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।